इस पूर्व मिस वर्ल्ड को लॉन्च करेंगी फराह ऑफर की ये फिल्म। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है। खबरों की माने तो इन दिनों मानुषी फराह खान की फिल्म से डेब्यू करने की तैयारी में है। शुक्रवार को मानुषी और फराह खान को एक साथ स्पॉट किया गया था। कैमरा देख मानुषी अपना मुंह छिपाती नजर आई थी। बताया जा रहा है कि वह एक फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रही हैं। आपको साल 2008 में फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फराह खान ने ही लॉन्च किया था, जिसके बाद से दीपिका ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे पहले खबर थी कि मानुषी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म से डेब्यू करेंगी। फराह के साथ एक म्यूजिक वीडियो कर रही है। मानुषी कई बार पहले कह चुकी हैं कि वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हैं। खबरों की माने तो मानुषी को फराह की फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और उन्होंने अभी से इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले साल 2000 में बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने ये खिताब देश के नाम किया था। बीते वर्ष 2018 के नवंबर महीने में चीन के सांगया सिटी एरिना में मानुषी को ये ताज पहनाया गया था। मानुषी एक मेडिकल की छात्र रह चुकी हैं और यह उनका सपना था कि वे मिस वर्ल्ड का खिताब अपने और देश के नाम करें।